फ्रेंड्स, नेचुरल ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गुलाब का फेस पैक। आप तो जानते हैं कि गुलाब खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है, वो अपने सुगंध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं कि आप हमारे स्किन के लिए भी गुलाब जल बहुत ही फायदेमंद है? तो आइए आज हम आपको गुलाब का फेस पैक बताएँगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और पहले देख सकें। हम गुलाब का पंखरी लिए हैं, 2 गुलाब का पंखरी पेस्ट बना लिए हैं इसे पीस करके। गुलाब में हमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे गंदगी को निकाल देता है और हमारे जो कील मुहासे होता है वो भी ख़त्म कर देता है। यह है आयुर का चंदन फेस पैक है, पाउडर है, इसका हम यूज करेंगे इस पैक में। इससे फेस पे कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ने देगी, फेस को ठंडक पहुंचाती है। एक चम्मच हम चंदन पाउडर लेंगे। हमें एक चम्मच मिल्क चाहिए, यानी दूध। दूध में तो आप जानते हैं मस्त, दूध से ऐसे भी फेस साफ किया जाता है, दूध से फेस क्लीनर ही बोला जाता है। इसे पहले दूध से फेस को साफ कीजिए, रोज साफ कीजिएगा तो फेस बहुत अच्छा ही निखार आता है। इसे ज़्यादा पतला हमें पेस्ट नहीं बनाना है, पैक गाढ़ा ही रहने देना है। गुलाब जल है कि हमारे डेड सेल्स को जो स्किन पे रहता है, ऊपर का परत पे जो डेड स्किन सेल्स रहता है, ऑयली रहता है या कुछ भी रहता है वैसा, तो गंदगी आपको बाहर निकाल देता है, जिससे आपका फेस पे बहुत ही अच्छा निखार आता है, आपके फेस पे चमक भी लाता है। अगर इस फेस पैक को आप सप्ताह में 3 बार यूज करेंगे तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा, बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा आपका फेस। ये हम अपने फेस पर अप्लाई करके आपको आज दिखाएंगे भी। ये पैक बनकर तैयार हो गया है, हम इसे अपने फेस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने फेस को साफ कर लेंगे। हम मिल्क से ही साफ करेंगे अपने फेस को, कॉटन को इसमें गीला कर लेंगे, एक क्लींजर का काम करता है मिल्क, फेस भी साफ करता है, गोरा करता है। इससे आप रेगुलर यूज करिएगा, रोज अपने फेस को साफ कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा निखार, आप फेस को भी साफ और गोरा करता है। ये दूध हम लिए हैं, कच्चा दूध है, उबला हुआ दूध बिल्कुल नहीं है, ये कच्चा दूध हम यूज कर रहे हैं अभी। मेरा फेस साफ हो चुका है,
अब हम इस पेस्ट को अपने फेस पे लगाएंगे। मेरे फेस पैक लग चुका है, इसे हम सूखने तक वेट करेंगे, उसके बाद हम धो करके आपको अपना फेस दिखाएंगे अच्छी तरह से। जब ये पैक सूख गया तो हम अपने फेस को धो लिए हैं। आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसा लग रहा है, अभी बिल्कुल सॉफ्ट निखार लग रहा है, निखार आया है मेरे फेस पे, चमक है मेरे फेस पे। अभी हम फेस पे कुछ भी नहीं लगाए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं मेरे फेस को। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके फेस पे कील मुहासा है तो इसके लिए आप गुलाब का पेस्ट, दूध और शहद, ये तीन चीज़ मिला करके आप लगाएं, आपके फेस से कील मुहासा जो भी है दाना वो सब आपका ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसके जगह पे अगर आप ये जो आपको पैक बताए हैं इसके जगह पे मिल्क के जगह पे आप हो सके तो आप दही भी ले सकते हैं, दही लगा मिला करके आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। अगर आप लगाना चाहती हैं ये पैक तो इसके लिए आप गुलाब का फूल उसका पेस्ट बना लीजिए, दूध ये दोनों मिला करके भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ही रिस्पॉन्स आपको फेस पे मिलेगा। इसे रोज़ ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। और आपको एक और बताएंगे जो कि इसमें मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, गुलाब का पेस्ट, शहद और मिल्क, इतना चीज़ आप मिला करके लगाइए, आपके फेस पे बहुत ही अच्छा रौनक एकदम चमक निखार आएगा, जो कि आप चाहती हैं वैसा निखार आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और मेरे वीडियो पहले आप देख सकते।